नमस्कार साथियों, जिस तरीके से एलविस यादव एनिमल हंटिंग के मामले में जेल में गए थे और उनको अब रिहा कर दिया गया है जेल से, हालांकि वो अभी तक निर्दोष साबित नहीं हुए, लेकिन उनको बेल के तौर पर बाहर भेजा गया है। दोस्तों, जब वो अपने परिवारजन से मिले, उनके फादर साहब काफ़ी खुश थे और जिस तरीके से आप ये वीडियो देख सकते हैं, एलविस यादव के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है लगातार। पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि सर कुछ तो बोलिए, किस तरीके से यहाँ पर आपके ऊपर इल्जाम लगे और किस तरीके से आपसे पूछताछ की गई, लेकिन एलविस यादव चुपचाप निकल जाते हैं और अपनी कार में बैठ जाते हैं, वहीं हाथ जोड़ते हुए वो मीडिया के सामने नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? क्या एलविस यादव को यहाँ पर कहीं ना कहीं फंसाया गया है? क्या एलविस यादव एनिमल हंटिंग के मामले में पकड़े गए थे? क्या वो फेयर है या फिर उनके ऊपर जो दोष लगे हैं वो सभी बेबुनियाद हैं? आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर नोएडा पुलिस के हाथों कुछ एविडेंस लगे थे, कुछ प्रूफ लगे थे, वो सभी कोर्ट के अंदर रखे गए हैं। अब क्या होगी उनके ऊपर सुनवाई, आगे देखते हैं फ्यूचर में। लेकिन एक दूसरा मुद्दा जो लगातार लद्दाख से अपडेट आ रहे हैं, 18वां दिन दे आई बिगिन माई 18th डे climate fast, therefore temperatures dip to -8 degrees, everything is frozen like this. Some 150 people slept out in the open along with me to remind the Indian government officers under the 6th schedule of the Indian constitution. 18वां दिन सोनम बोन चुका, ये वही सोनम बोन चुका है जो 3 Idiot में आमिर खान ने जिनका किरदार निभाया था। दोस्तों, यदि आप नहीं जानते सोनम बोनचुक के ऊपर, तो आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने समझाया है जिस तरीके से यहाँ पर 18वें दिन भी अनशन पर बैठे हुए हैं सोनम बोनचुक और -8 डिग्री सेल्सियस में लगातार सोनम बोनचुक अपनी मांग रख रहे हैं अपने लद्दाख वासियों के लिए। आप लोगों को भी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और इस डिबेट में, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में भी थोड़ी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि लद्दाख में आखिर चल क्या रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है जिस तरीके से यहाँ पर सोनम बोनचुक ने अपनी मांग रखी है, क्या बिल्कुल फेयर है? एलविस यादव को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या वो इस एनिमल हंटिंग मामले में फंसे हुए थे, क्या वो बिल्कुल निर्दोष हैं या फिर दोषी हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और इसी तरीके की ट्रेंडिंग वीडियोज के टॉपिक्स को लेकर आते हैं हम इस चैनल पर और मिलते हैं नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।